ये हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेट लाइफ टाइम ऑफ क्रिप्टन इफ इट डिसइंटीग्रेट 99% ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इन 10.6 ईयर, विच इज द हाफ लाइफ टाइम। दैट इज कि अगर क्रिप्टन जो है वो 99% डिसइंटीग्रेट हो रहा है 10.6 ईयर्स में, तो हमें कैलकुलेट करना है उसका फुल डिसइंटीग्रेट लाइफ टाइम क्या होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये इसका हाफ लाइफ टाइम है, डेट इज 10.6 ईयर, सो वी नो डैट डेट इज हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और अगर हमें फुल लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है फुल लाइफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए, डेट इज टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें k का वैल्यू कैलकुलेट करना है जो हम यहाँ पर पुट कर सकें, और यहाँ पर पुट करने के बाद हम t ओवरऑल t कैलकुलेट कर सकें। तो अब अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है तो हम देख सकते हैं k, द वैल्यू ऑफ k इज हियर इज अ k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन दैट इज t हाफ। सो नाउ k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन व्हाट इज द t हाफ, t हाफ इज 10.6, so it is approximately 6.54 into 10 to the power minus 2, that is years. So k की वैल्यू अगर हमारे पास कैलकुलेटेड हो जाती है तब हम उसका फुल लाइफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इज t इज इक्वल टू 2.303, वट इज द वैल्यू ऑफ k, डेट इज 6.54 into 10 to the power minus 2, that is 6.54 into 10 to the power minus 2 log a upon, what is the value of a? Let us consider the a is 100, let then x is equals to 99 upon 100 will be a, क्योंकि अगर हम full concentration 100 मान रहे हैं तो उसकी disintegrate concentration क्या होगी। क्वेश्चन में बोला है कि वो जो है वो 99% डिसइंटीग्रेट हो चुका है, किसका, 100 का, तो ऑब्वियसली वी से दैट दैट इज अ 99 बाय 100 इनटू ए, सो इट्स विल बी दैट इज वी से दैट इट इज अ 100 दैट इज 100 माइनस 99 अपॉन 100। नाउ इट इज लेट अस कंसीडर इट इज ए, इसको ए ही रख लेते हैं अभी, a upon a minus 99 upon 100, so it will be t is equals to 2.303 upon 6.54 into 10 to the power minus 2 log. So if we calculate at here the LCM, so it will be 100 into a, that is 100a minus 99a, 100a में से 99 ही minus करें तो it will be also a upon 100, then 100 is goes toward, so it will be t is equals to 2.303 6.54 into 10 to the power minus 2, that will be 100a upon a, a is cancelled by a, then we get 2.303 upon 6.54 into 10 to the power minus 2 log 100, and we know that what is the value of log 100, log 100 is equals to 2, so here is that t is equals to 2.303 upon 6.54 into 10 to the power minus 2 into 2, which is having a value is approximately 70.4 years. यहाँ पर जो उसकी full lifetime है वो है 70.4 years. Is it clear? Now we are going to take a next point, that is अगर हमें किसी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट पता है, एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक वेट पता है तो एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक मास पता है तो एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक क्यूरी वेट और एक रदरफोर्ड वेट। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहे हैं क्यूरी वेट, क्यूरी वेट, क्यूरी वेट क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें कि क्यूरी वेट की डेफिनेशन क्या है, तब हम कह सकते हैं द क्वांटिटी
द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटीरियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, मटीरियल विच गिव्स 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी कि क्यूरी वेट हमारे पास वो वेट है जो 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हमें दे सके, और हम इसको मिली क्यूरी या फिर माइक्रो क्यूरी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि क्यूरी कांस्टेंट हमारे पास है, दैट इज 3.7 × 10^10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो इसी के अबाउट अगर हम एक क्वेश्चन ले लें, दैट इज लेट कैलकुलेट द वेट इन ग्राम ऑफ वन क्यूरी ऑफ 214 लेड 82 having a half lifetime is equals to 26.8 मिनट। तो अगर हमारे पास किसी का एटॉमिक मास है और हम उसका वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसी के साथ साथ अगर हमारे पास उसका हाफ लाइफ टाइम भी है डिसइंटीग्रेशन का, तो हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? वेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला अबाउट ओनली अ क्यूरी, दैट इज क्यूरी वेट पर डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू सेकंड, दैट इज इक्वल टू के इनटू वेट बाय एटॉमिक मास एंड इंटू 6.023 इंटू 10^23। सो हियर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एटॉमिक वेट अबाउट अ क्यूरी डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो क्वेश्चन में हमारे पास एटॉमिक मास है, टी हाफ है, और हमें वेट कैलकुलेट करना है, और क्यूरी कॉन्स्टेंट हमें पता है क्यूरी कॉन्स्टेंट क्या होता है, डेट इज 6.7 × 10^10। अब हमें कैलकुलेट करना है W। तो W कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम K कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड वी नो डैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, डेट इज 0.693 अपॉन T हाफ विच इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 26.8। अब ये मिनट में दे रखा है, अगर हम इसे हार्स में कैलकुलेट करें तो हमें क्या कर देना है, सॉरी सेकंड में कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, तो हमें इसको भी सेकंड में कैलकुलेट करना है, और सेकंड कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई 60 से कर लेते हैं। देन अब अगर इसको पूरा सॉल्व किया जाए तो ये होता है 4.31 × 10^-4 सेकेंड। नाउ अब कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वेट ऑफ अ लेड। देन हियर इज अ फॉर्मूला, दैट इज क्यूरी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू के इनटू वेट अपॉन एटॉमिक मास इनटू 6.02 × 10^23। सो नाउ लेट अस कंसीडर द क्यूरी having a point, having a constant, that is 3.7 × 10^10 is equals to, what is the value of K? K is 4.3 × 10^-4, that is 4.31 × 10^-4 into weight upon atomic mass, kya hai iska? Atomic mass hai, that is 214 into 6. That is 0.023 × 10^23. Now to solve this, that is it goes toward into 10^10. This goes toward and this is a 4.31 × 10^-4. Here is a dividation, so it will be converted into
multiply, here is in multiply, it will convert into dividation, that is 6.023 into 10 to the power 23, which is equals to weight. So weights is approximately, that is 3.1 into 10 to the power minus 8 gram. तो इस तरह से हम क्यूरी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यूरी वेट हमें पता है, वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज मास एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी. स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला है, स्पेसिफिक एक्टिविटी हैविंग अ फॉर्मूला 1/ मास ऑफ एटम. एंड मास ऑफ एटम हैविंग अ फॉर्मूला एन अपॉन एटॉमिक मास अपॉन 6.023 into 10 to the power 23. What is the n? N is equals to Curie upon k. तो इन कुछ फॉर्मूलाज का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें क्यूरी पॉइंट या फिर k दिया गया हो, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. दैट इज के दिया गया हो और क्यूरी पॉइंट दिया गया हो, तब हम एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अबाउट भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन इज दैट इज 40K 90 हैविंग अ टी हाफ वैल्यू 1.28 इंटू 10 टू की पावर 9 ईयर्स. तो अगर हमें यहाँ पर स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए के की. के की वैल्यू मिलेगी कैसे? फॉर्मूला हमारे पास है भाई, 0.693 अपॉन टी हाफ. यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट. 0.693 अपॉन t half, that is 1.28 into 10 to the power 9. It is approximately 1.768 into 10 to the power minus 17 per second. k की value हमारे पास है. अब यहाँ पर value calculate कर लेते हैं n की. n की value calculate कैसे करनी है? n की value calculation के लिए हमारे पास formula है, that is Curie constant upon k. Curie constant हमें पता है 3.7 into 10 to the power 3.7 into 10 to the power 10 upon 1.7168 into 10 to the power minus 17. It is approximately, that is 2.1557 into 10 to the power 27. N की value है. Mass calculate कर सकते हैं इससे. Mass is equals to वही formula n into atomic mass upon 6.023 into 10 to the power 3. सिर्फ हमें एक concept पता होना चाहिए. calculation तो आप आराम से कर सकते हैं. अब that is 2.1557 into 10 to the power 27 into atomic mass. atomic mass कितना था? atomic mass is 40. so we take that here is a 40 upon here is a 6.023 into 10 to the power 23 now, which is approximately 1.432 into 10 to the power 5 gram. mass हमें मिल गया. क्या calculate कर सकते हैं? specific activity having a formula 1 upon mass. so it will be 1.432 into 10 to the power 5. द स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट इज 1/ मास. स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला पता है हमें. नाउ दैट इज इक्वल्स टू 6.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6.
that is the this is a specific activity of an element. Now तो अगर हमें हम नीट या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको एक बार प्रेफर ज़रूर करें, काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर भी. ओके सो थैंक यू.